और वहीं नारायणपुर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने आज भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब जानते हैं कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1970 तक 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तब के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल लगा दिया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे लोकतांत्रिक काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था। आज ही के दिन देश भर में आपातकाल लगाए जाने की घोषणा थी। भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1970 इमरजेंसी लगी हुई थी। उस वक्त इंदिरा गांधी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर शख्स को जेल में बंद करवा दिया था। और 25 जून 1975 को अगर हम याद करते हैं तो वो समय हम सबको एक रोंगटे खड़े होने वाला समय है। आज जिस आजादी कि हवा में हम सांस ले रहे हैं वो आज़ादी भी भारतीय जनता पार्टी के जन नायकों की देन है। 25 जून 1975 में जिस तरह के की परिस्थितियां हमारे देश में रही, 20वीं सदी के भारत को अगर हम कहें तो दो तरह की आज़ादी को देखने का अवसर मिला, उसकी गवाही भारत बना। एक तो जब देश गुलाम था उस समय फिरंगियों से लड़कर जीतने की आज़ादी, और दूसरी आज़ादी से प्रयास करके लोगों के आज़ादी की अभिव्यक्ति को कुचलने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा लगातार किया जाता रहा है। उससे अभी भी हम लोगों को आज़ाद होने की आवश्यकता है। इनके जिस तरह से इन लोगों ने सामाजिक क्षेत्रों में भी बंटवारे करके कैसे उसको अपने पक्ष में वातावरण को बनाए रखने की मादा ये लोग रखते हैं, वो भी हम सबके सामने प्रत्यक्षता के साथ हम सब देख रहे हैं। और इन्हीं बातों को याद करने के लिए आज वो 25 जून 1975 की वो घटना जो लगातार 1977 मार्च तक चलती रही और लगभग 21 महीने का आपातकाल का जो कालचक्र रहा है, उस कालचक्र से जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकार आज बनी हुई है वहाँ वहाँ भी उस तरह की परिस्थितियाँ देश की जनता को, क्षेत्र की जनता को, राज्य की जनता को झेलना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। इसी के